और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए, जिसे अब पूरा किया गया है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती रही हैं। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। उनके जगह केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। एक तरफ प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे गुलाम नबी आजाद को अब हरियाणा का प्रभार सौंपा गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव है। राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री प्रियंका गांधी की हो गई है। कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है। पूर्वी यूपी का प्रभार संभालेंगी प्रियंका गांधी। तो क्या कुछ फेरबदल हुआ है कांग्रेस के अंदर, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बन गई हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महासचिव अब नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, यूपी से गुलाम नबी आज़ाद की छुट्टी हो चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद को अब हरियाणा का प्रभार सौंपा गया है। और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़े हैं। प्रवीण, एक बड़ा दाव है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे दर्शकों को कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है, उसके बाद अब यूपी में कांग्रेस की तरफ से दो प्रभारी बनाए गए हैं। यानी कि सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, और सबसे बड़े जो धुरंधर है वो यहाँ दांव लगाते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री पद है वो 2014 में यही यूपी से था, तो कहीं ना कहीं यूपी कितना महत्वपूर्ण है इस बात से भी साबित हो सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ पे गुलाम नबी आजाद जो कि प्रभारी थे उनके बदले में दो प्रभारी उतारा है। और एक सबसे जो अहम बात कि प्रियंका गांधी की सार्वजनिक तरीके से राजनीति में एंट्री कराई गई है और कांग्रेस की प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाया गया, और साथ ही सबसे ज्यादा अग्रेशन वाले पॉलिटिक्स करने वाले मध्य प्रदेश के सबसे तेज नेता यानी कि सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। यानी कि एक प्रभारी के बदले में दो प्रभारी बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है अब यूपी की लड़ाई को हल्के में नहीं लेने वाली। दो तरफा लड़ाई है यहाँ पे, एक तो महागठबंधन का यानी कि सपा और बसपा का गठबंधन, और दूसरी खुद बीजेपी यहाँ पे ताल ठोके हुए है। 73 का आंकड़ा पिछली बार छुआ था, और इस बार का जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 74 से ज्यादा का है। यानी कि इन दोनों के बीच लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खुद को साबित करना चाहती है कि किसी भी लड़ाई में वो अब पीछे नहीं है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहले भी कह दिया था कि यूपी में वो बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंटफुट पर खेलेंगे। तो क्या प्रवीण, अब ये माना जाए कि जो चुनावी समीकरण है इस फेरबदल के बाद कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं रहेंगे? देखिए, चुनावी समीकरण की बात अभी आकलन कर रहे हैं, जल्दीबाजी होगा, लेकिन कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है कि 2004 में जब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये बहुत ही वो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी साइनिंग इंडिया के सहारे मैदान मार ले जाएंगे। लेकिन उस समय राजनीतिक एंट्री हुई थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, उसके बाद कहीं ना कहीं दो जो टर्म था दोनों की जो हिस्सेदारी थी राजनीति में कांग्रेस में वो बड़ी थी। तो ये तभी से 2004 से इस बात की लगातार मांग की जा रही थी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की एंट्री कराई जाए, लेकिन हर बार जो कार्यकर्ता थे उनकी मांग को टाल दिया जाता था, और जो प्रियंका गांधी है उनका जो प्रचार था वो केवल अमेठी और रायबरेली तक सीमित होता था। यानी कि परिवार के दोनों सीटों को बचाने के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करती थी। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो कार्यकर्ता थे जिनकी सालों से मांग थी निश्चित तौर से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि
पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं में जो कांग्रेस के यूथ वर्कर हैं, जो कांग्रेस में नए जुड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए जरूर उत्साह की बात है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की और रणनीति क्या होगी, इन दोनों नामों को यानी कि प्रियंका गांधी और सिंधिया को कैसे यूज करती है, कैसे संगठन में और ठीक ठाक किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है, कैसे टिकट बांटे जाते हैं, ये तमाम चीजें शामिल होंगी कि कांग्रेस कैसे यूपी में दोनों विरोधी दलों के बीच अपनी जगह बना पाती है। लेकिन क्या प्रवीण ऐसा तो नहीं कहीं प्रियंका गांधी के सामने थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि पहली बार उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी के अंदर, वो भी 2019 का लोकसभा चुनाव है, काफी अहम माना जा रहा है ये चुनाव। देखिए कठिनाई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि 2004 से ही भले सार्वजनिक तौर से ना प्रियंका गांधी सामने आती हो, लेकिन ये कई बार सामने आया कि जब भी जो कांग्रेस पार्टी की जो महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक होती थी, चाहे वो राहुल गांधी के घर हो चाहे सोनिया गांधी के घर हो, उन तमाम बैठकों में प्रियंका गांधी मौजूद रहती थी। शायद यही वजह है कि ये तस्वीरें या ये खबरें आने के बाद लोग मांग करते थे। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि लोग कहने लगे थे कि राहुल गांधी से बेटर प्रियंका गांधी साबित हो सकती है, लेकिन हालांकि तब उनको लॉन्च नहीं किया गया। ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में दिखती है, तो ना केवल उनकी जो फैन फॉलोइंग है, लोग जो उनको पसंद करते हैं उनके लुक को या फिर उनके बोलने के स्टाइल को, उसके साथ साथ जो उनकी समझ है इससे भी इनकार नहीं किया जाता। हालांकि भले आज सार्वजनिक तौर से आज कांग्रेस में एंट्री हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के फैसले पिछले 10 सालों में हुए हैं उन सारे फैसलों में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की भूमिका रही है। और अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें प्रवीण, तो कांग्रेस की स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए 2004 से हम फिर से शुरू करते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय चुनाव हुए थे, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम चुनाव माना जा रहा था, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी संगठन के तौर पे खुद को साबित करना था। उनको राजनीति में आए बहुत कम दिन हुए थे और गांधी परिवार में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी अकेले थी। उसके बाद इन दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की एंट्री हुई उस चुनाव में बाद, और अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने हराया और फिर कांग्रेस की 2007 में सरकार बनी। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो जो संगठन में जो बदलाव हुआ है ये इस तरीके का, ये निश्चित तौर से बहुत ही असर करने वाला है, ना केवल कांग्रेस के पार्टी में बल्कि जो उनके साथ जुड़ने वाले यूथ और युवा हैं। और प्रवीण, क्या प्रियंका गांधी की कहीं से चुनाव लड़ने की कोई सुगबुगाहट अभी तक? देखिए हालांकि अभी सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि शायद सोनिया गांधी की लगातार तबीयत खराब रहती है, ये भी हो सकता है कि शायद वो वहां से रायबरेली से चुनाव लड़ ले, लेकिन अभी ये सब कयास हैं। हालांकि पत्रकारों ने आज अमेठी में राहुल गांधी का दौरा है, पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने बोला कि प्रियंका के बारे में बोला कि वो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और बहुत मेहनती हैं, वो अपने चुनाव लड़ने के बारे में फैसला कर सकती हैं। यानी कि साफ साफ जवाब नहीं दिया लेकिन इनकार भी नहीं किया, तो इस संभावनाओं को अभी नहीं बंद किया जा सकता। हो सकता है कि वो शायद मैदान में भी उतरती नजर आए। तो प्रवीण, क्या अब सोनिया गांधी के आराम के दिन आ गए हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे आगे चलकर? देखिए पराग, इस तरह के कोई भी कयास लगाना फिलहाल अभी जल्दीबाजी होगी। हालांकि जरूर इस खबर के आने के बाद जो सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे इस बात की चर्चा बहुत तेजी से है कि शायद ये भी हो सकता है कि राहुल सोनिया गांधी की जगह पे प्रियंका वहां से रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि सोनिया गांधी के आराम करने का वक्त आ गया, उनकी जगह अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी लेने वाली है। प्रवीण, एक बात और कि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी फेल हो गए इसलिए अब प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। पराग, आपका सवाल एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। प्रवीण, अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फेल साबित हुए हैं और इसलिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। देखिए निश्चित तौर से इस तरह के बयान ये राजनीतिक बयान होते हैं, हालांकि जरूर बीजेपी का बयान आ गया है, अभी सपा बसपा गठबंधन की तरफ से बयान आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां होती है वो कुछ तो बताएंगी ना, कुछ तो उनको कहना होगा, तो शायद यही एक वजह है कि प्रियंका गांधी की इस ओपनिंग के को राहुल गांधी के फेलोर से जोड़ के देखा जा रहा है। प्रवीण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को एक बार राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। प्रियंका को, ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है, मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा उसके लिए है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे। आपने सुना प्रवीण, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक मिशन के तहत उनको भेजा है, ना कि 2-4 महीने के लिए भेजा गया है।
एक कहीं तो विश्वास उन्होंने दिखाया ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के ऊपर। जी बिल्कुल, इस तरह के जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये चुनावी तौर तरीके हैं कि जिसके अंतर्गत प्रियंका गांधी को और उनको भेजा गया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो कहीं ना कहीं उस सारे सवालों को नकारते नजर आया। उन्होंने साफ कहा कि ये केवल 2 महीने के लिए इनको प्रभारी नहीं बनाया गया है, यानी कि उनका मैसेज साफ था कि प्रियंका गांधी अब लॉन्ग टर्म के लिए तैयार है और उनकी जो उनको प्रभार दिया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया कि किस तरीके से, जिस तरीके से 89 के बाद यानी कि 89 के बाद लगातार कांग्रेस यूपी में जनाधार खोती गई है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की चिंता और कांग्रेस पार्टी की चिंता इस बात की भी है कि किसी भी तरीके से या किसी भी बहाने से वो जनाधार अब फिर से यूपी में कांग्रेस के पक्ष में आए और जो नए लोग हैं या फिर जो नए वोटर हैं या फिर जो पुराने जो कांग्रेस को वोट करते थे वो जो दूर चले गए उनको कैसे भी वापस कांग्रेस में लाने की। प्रवीण, एक आखिरी सवाल, छोटा सा इसका जवाब मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है प्रियंका गांधी की, एक इंदिरा गांधी की छवि के रूप में उनको देखा जाता है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के अब पुराने दिन वापस आएंगे प्रियंका गांधी के औपचारिक तौर पर राजनीति में आने के बाद? देखिए, एक वाक्या हम याद करते हैं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुए 4 साल हुए थे, पहली बार प्रियंका गांधी सार्वजनिक मंच से एक भाषण देने आई थी, तब उनकी उम्र 16 साल के आसपास थी, तभी ये इस बात के कयास लगाए गए, यानी कि एक तुलना भी की गई, ना केवल उनके हेयर स्टाइल को, उनके लुक को, उनके बोलने के अंदाज को, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से कंपेयर किया गया और ये बताया गया कि इंदिरा गांधी के बाद ये प्रियंका गांधी बाद में उत्तराधिकारी हो सकती है, यानी कि तभी से कहीं ना कहीं जो उनकी फैन फॉलोइंग थी या फिर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, खासकर यूथ, उनमें जरूर विश्वास था कि प्रियंका गांधी को अगर उतारा जाए मैदान में तो निश्चित तौर से परिणाम अलग होंगे, यानी कि बेहतर दिखाई देंगे। तो शायद जो कार्यकर्ताओं की मांग थी या फिर जो रणनीतिक सोच है कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की, ये इस फैसले से साबित करती है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी की जो फॉलोइंग है उसको यूज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।